बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ रंगीन सेवइयाँ। ये रंगीन सेवइयाँ, ये 400 ग्राम का पैकेट है, तो मैं इसमें से आधा पैकेट लूँगी, 200 ग्राम सेवई निकाल लूँगी और 200 ग्राम छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरा 1.25 किलो दूध है और मैं 1.25 किलो दूध में 200 ग्राम सेवइयाँ बना रही हूँ। तो ये मैं काट लूँगी और आधी निकाल लूँगी। जी, मैंने आधी सिवैया निकाल लिए हैं, तकरीबन 200 ग्राम। चूल्हे पे मैंने दूध चढ़ा दिया है और ये पक रहा है, और इसमें मैं अपने टेस्ट के मुताबिक ये 8 टेबल स्पून यानी 8 चम्मच खाने वाले जो होते हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी, या चीनी आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये नाप वाला पैमाना है, मैंने चीनी में रखा हुआ है, तो ये एक पैमाना जो बनता है मेरे हिसाब से 1 टेबल स्पून का बनता है, तो मैं ये 4 डाले हैं तो ये 8 टेबल स्पून बन गए हैं। और ये चीनी दूध में मैं उबाल ले लूँगी। दो अदद में इलायची भी डाल रही हूँ। और दूध अच्छा खासा गाढ़ा होने लगा है। तो मैं इसे दूसरे चूल्हे पे रखती हूँ, और मैंने रख दिया है इस तरफ पानी गर्म करने के लिए। पानी में उबाल आता है तो हम इसमें सेवइयाँ डाल देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। पानी में उबाल आ गया है तो हम डाल देंगे सेवइयाँ। और हम 1-2 मिनट इसमें उबाल ले लेंगे, ताकि इसका जो पीच है वो निकल जाए, क्योंकि मेरी सिवैयाँ अक्सर दूध फाड़ देती हैं। तो मैं 1-2 मिनट के लिए ज़रूर इसका निकाल देती हूँ उबाल कर। तो हम इसमें पानी में गलाएंगे नहीं, बस हम इसका पानी निकाल देंगे, और मैं पानी निकाल कर लेकर आ रही हूँ। दूध मैंने वापस से पानी यहाँ ला कर रख दिया है। अब मैं इसमें गलने तक पका लूंगी। तो सिवैयाँ हमारी गल चुकी हैं और ये ठंडी होती हैं, तो हम निकालते हैं डिश में।
मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ चूल्हा। मैंने डिश में निकाल ली है और ये बहुत आसानी से और बहुत मज़े का आपके लिए, आपके मेहमानों के लिए बनकर हो गया तैयार। ऊपर से बादाम और पिस्ते मैंने डाल दिए हैं, इनको बिल्कुल बारीक चॉप किया था मैंने। ठीक है, तो ये बहुत मज़े की डिश हमारी आज तैयार हो गई है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और चलते चलते आपसे एक बार फिर वही कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।